आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र टीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2016 का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो प्रैक्टिस पेपर हमने सॉल्व किया है लास्ट टू वीडियोस ज़रूर देखें, उसकी स्टडी ज़रूर करें। वो डिस्कशन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, बिफोर आई प्रोसीड, आई रिक्वेस्ट ऑल दी व्यूअर्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्लाई हाई। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, दर्ज ज़ैल नशोनुमा की खसूसियात में से कौन सी खसूसियात नामुनासिब है। हमें इसमें से पहचानना यह है कि जो चार खसूसियात दी हुई हैं, चारों खसूसियात में से सबसे ज़्यादा नामुनासिब खसूसियत कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा नामुनासिब खसूसियत है इसके अंदर, देखिए चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। नशोनुमा ये तज़ियाती तरकीबी नौईयत की है। नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तलाफात आता है। नशोनुमा में अतराफ के माहौल का अहम हिस्सा होता है। ये बिल्कुल सही बातें हैं। देखिए नशोनुमा जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड जो ऑप्शन है, इनफरादी इख्तलाफात होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, इनफरादी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर, किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट एजेस में तेज़ी से होती है, किसी की डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होती है, तो इसके अंदर इनफरादी इख्तलाफ होते हैं। नशोनुमा ये तज़ियाती तरकीबी नौईयत की भी होती है। तो ये जो है ना, फोर्थ ऑप्शन जो है, जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा की रफ़्तार तेज़ होती है। इस तरह से साइकोलॉजी में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं है कि जानवरों की बनिस्बत इंसानों की नशोनुमा तेज़ होती है, बल्कि जानवरों की स्लो होती है। यानी ऐसा कोई डिफाइंड थ्योरी हमारे पास साइकोलॉजी में नहीं है। तो नशोनुमा को लेकर ये सबसे ज़्यादा नामुनासिब बात है, ऑप्शन नंबर 4। 62 क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, अनफान शबाब में तलबा की तदरीस करते वक्त मुअल्लिम को ज़ैल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये अनफान शबाब जो है ना, ये एडोलेसेंस वाला पीरियड होता है। एडोलेसेंस का पीरियड होता है 12 से लेकर 18 के बीच में, या यूँ समझ जाइए एडोलेसेंस इज़ द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बच्चा जब तक चाइल्ड होता है, अर्ली चाइल्डहुड हो या लेटर चाइल्डहुड हो, इसके बाद से जब तक उसका अडल्टहुड ना लगे, यानी कि एडोलेसेंस वाला जो पीरियड है उसका, ये पीरियड उसका ये जो है ना एडोलेसेंस कहलाता है, अनफान शबाब कहलाता है। इसके अंदर मुअल्लिम को सबसे ज़्यादा किस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब ये चारों ऑप्शन है, इसके अंदर चारों ऑप्शन में आपको लगेगा कि जमात में तदरीस करते वक्त मुअल्लिम को एहसान बर्ताव करना चाहिए। आप ऐसा भी सोचेंगे कि बच्चों के क़ुव्वत तख़य्युल के इजहार से ग्रेस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम बच्चों के क़ुव्वत जो तख़य्युल है, उसका जो इमेजिनेशन पावर है, उसको हम ज़रूर मोटिवेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे हम। तीसरा ऑप्शन है, मुअल्लिम के कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप एक अच्छे मुअल्लिम हैं तो आप जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आप यूँ नहीं कह सकते बच्चों से कि आप ये बुराई ना करें और आप बतौर मुअल्लिम ख़ुद उस बुराई में मुब्तला हैं, या बच्चों को आप किसी नेकी का की तलकीन कर रहे हैं और आप बजाते ख़ुद उस नेकी में मुब्तला नहीं हैं। तो ये जो चीज़ होती है, बच्चे इस उम्र के बच्चे, 12 से 18 साल के दरमियान के बच्चे, मुअल्लिम के कौल और फेल के दरमियान के जो तज़ाद है उसको पहचान लेते हैं। तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मुअल्लिम के कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीन प्याजे के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज ज़ैल में से कौन सा बयान गलत है। जीन प्याजे की कौन सी थ्योरी है भाई? जीन प्याजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं जो हमारी ज़हनी नशोनुमा है, हमारा जो मेंटल स्टेटस है, वो जो जिस तरह से आगे बढ़ता है, हमारी जो ज़हनी शऊर है वो किस तरह से परवान चढ़ती है, इसकी थ्योरी के मुताबिक। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बयान गलत है, तो इसमें जो जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर 4, तसव्वुर तैयार करने के लिए। ये बहुत साइंटिफिक ऑप्शन है, तसव्वुर तैयार करने के लिए, यानी कि इमेजिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है,
तो ये गैर ज़रूरी जो उसने यहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया गैर ज़रूरी, ज़रूरी है ये चीज़ ज़रूरी है, मुहर्रिक फ़ालियत ये तसव्वुर तैयार करने के लिए ज़रूरी है। बच्चा कुछ होता हुआ देखेगा, कुछ हरकत देखेगा तो उसके ताल्लुक से सोचेगा, अगर उसे कुछ नज़र नहीं आएगा मतलब गैर ज़रूरी है नहीं बोल सकते हम। तसव्वुर के लिए जो है ना कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होती हुई देखी जाए जिसको बच्चा तसव्वुर कर सकता है, या फिर किसी चीज़ को वो इमेजिन करने के लिए उसको कोई ना कोई तस्वीर बताई जाती है। जैसे कि देखिए अब इसके अंदर जो बख़िया तीन ऑप्शंस हैं, बख़िया तीन ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये जीन प्याजे की थ्योरी के जो है ना पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ फ़र्स्ट ऑप्शन, ये नज़रिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों को ख़ुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है ना ये तजुर्बा जीन प्याजे का था। दूसरा क्या था, ये नज़रिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट इसके जो है ना सेंटर ऑफ द सर्कल है ये तजुर्बे में, उसकी तैयारी तलबा की जो तैयारी है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है इसमें कॉग्निशन डेवलपमेंट में। तीसरा है बच्चों के अपने तजुर्बात के ज़रिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है, तो बच्चों के ख़ुद अपने जो तजुर्बात होते हैं उनकी जो ज़िंदगी में वो जो अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ जिस तरह के मामलात उनके होते हैं तो उनके एक अपने तसव्वुरात जो है ना वहाँ से परवान चढ़ते हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है तसव्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है, ये एक गलत बयान है। इस तरह का बयान हमें यही पहचानना है यहाँ पर कि दर्ज ज़ैल में से कौन सा बयान जीन प्याजे के मुताबिक गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनफरादी नशोनुमा में वारसत का मुताल्ला इंतहाई ज़रूरी होता है, इसको ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता है। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि देखिए इनफरादी जो नशोनुमा है यानी कि बच्चे का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर वारसत का मुताल्ला इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, उसका जो जेनेटिक उसकी जो स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है, इसके ज़ैल के मुतबादिल कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता। तो अब देखिए ये कितना ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बन गया सवाल कि हमें तो ये इसके अगेंस्ट वाला सेंटेंस पहचानना है, किसके अगेंस्ट का, कि इनफरादी नशोनुमा में जो वारसत का मुताल्ला है इसके अगेंस्ट वाला कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा इनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। दूसरा है शख्सियत की तरक्की वारसत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होता है। तीसरा ऑप्शन है पैदाइशी मिजाज फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ होता है। चौथा ऑप्शन है इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और ज़हानत यकीन करते हैं। ये जो पहला ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं क्या है, वो बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा जो है इनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वारसत की बात हो रही तो यहाँ पे वारसत की बात नहीं हो रही, किस में, पहले इसमें, यानी कि पहला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की हिमायत नहीं करता, ये हिमायत नहीं करता किस स्टेटमेंट की, इनफरादी नशोनुमा में वारसत का मुताल्ला इंतहाई ज़रूरी है। ये जो स्टेटमेंट था वारसत का मुताल्ला इंतहाई ज़रूरी है इसकी हिमायत ये वाला सेंटेंस नहीं करता कि बच्चे की शख्सियत के नशोनुमा इनके सरपरस्त और असातिज़ा इकराम की जो है ना थ्रू होती है। इसके अंदर कहीं वारसत का वही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। सेकंड थर्ड फोर्थ आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, शख्सियत की तरक्की वारसत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होती है, इसमें भी है। थर्ड क्या है, पैदाइशी मिजाज फितरी, देखिए पैदाइशी मिजाज यानी कि यहाँ से वारसत की बात शुरू हो गई, फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ होता है, जी बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन है इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और ज़हानत यकीन करते हैं। तो हम जो ऑप्शन नंबर एक देख रहे हैं बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा इनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं, ये जो बात कही जा रही है ये इस स्टेटमेंट की हिमायत में नहीं है, किस स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है। तो ये थे हमारे चार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्पेयरमैन के ज़हानती नज़रिए के दो जुज़वी उसूल हैं। दो जुज़वी उसूल कौन से हैं स्पेयरमैन के, स्पेयरमैन के दो जुज़वी उसूल हैं, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर।
चंद आम और ख़ास अज्जा पेश किए गए हैं। हाँ जी, आम मतलब जनरल फैक्टर और ख़ास अज्जा यानी कि स्पेशल फैक्टर। तो दर्ज ज़ैल में से ख़ास जुज़ कौन सा है, ख़ास जुज़ कौन सा है? सबसे पहला, तसव्वुरात में रब्त पैदा करना। जी नहीं, ये नहीं है। दूसरा है साइंसी तजुर्बात करना। जी ये हो सकता है। तीसरा, अंदाज़ा लगाना। ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। खसूसियात तलाश करना, हाँ, साइंटिफिक तजुर्बात के ज़रिए बच्चे के जो है ना स्पेशल एस फैक्टर को तलाश किया जाता है स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ देखें कि जी फैक्टर और एस फैक्टर ये दोनों जो है ना दो जुज़वी उसूल हैं किसके, स्पीयरमैन के, और एस फैक्टर को तलाश किया जा रहा है मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात के ज़रिए। बिने की ख़दर ज़हानत की आजमाइश के पैमाइशी मियार में दर्ज ज़ैल से कौन सी खसूसियात नहीं है? हमको यहाँ पहचानना है चारों ऑप्शंस में से कि इसमें जो अल्फ्रेड बिने हैं उनकी खसूसियत नहीं है, बाकी के तीन जो है उनकी ख़दर ज़हनात की जो आजमाइश और उसकी जो पैमाइश का मियार उन्होंने सेट किया है उसकी खसूसियात हैं, और एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि खसूसियत नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है ख़दर ज़हानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाला। जी बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो है ना ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये फर्स्ट टेस्ट है, इस तरह से माना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल दुरुस्त है, खसूसियत। ये पैमाइशी मियार बनने की वजह से हाफिज़ा तख़य्युल वग़ैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए ज़हानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ, ये गलत है। देखिए ये इनकी जो थेरी है इंटेलिजेंस थेरी, इसका ये बिल्कुल ख़ासियत इसकी ये नहीं है। ये कोई हाफिज़े और तख़य्युल को डील नहीं करती। इंटेलिजेंस इन्होंने टेस्ट डिफ़ाइन किया है, ये फ़र्स्ट इस तरह माना जाता है कि ये फ़र्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे। बाकी के जो दो ऑप्शन हैं इस पैमाइशी मियार में सवालात, हाँ सवालात होते हैं आम फहम, कारोबारी और मौसर होते हैं। जी इस तरह के सवालात के ज़रिए टेस्ट होता है, इसकी वजह से आम ज़हानत की पैमाइश बिल्कुल मुमकिन है। तो हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ पे खसूसियात नहीं है। देखिए ये नहीं वाला लफ्ज़ है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह के सवालात अक्सर महाराष्ट्र TET में पूछे जाते हैं और इस तरह के सवालात पूछे जाने की वजह से होता यह है कि स्टूडेंट्स जो है फोकस नहीं कर पाते क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पेपर पर कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, हर क्वेश्चंस को यहाँ पर निगेशन में पूछने की कोशिश की जा रही है, इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पीटर सालवी और जॉन शेयर ने जज्बाती जहानत में खुद आगही के जुज़ में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया है? ऑप्शन नंबर एक है ख़ुद पर काबू, दो है ख़ुद एहतिसाब, तीसरा है तरसील, चौथा है पुरएतमाद फहमाइश। तो देखिए ये जो पीटर सालवी और जॉन मेयर है, ये असल में जॉन मेयर है, यहाँ पर शेयर दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स होते हैं। तो जॉन मेयर ने जज्बाती जहानत में जो खुद आगही यानी कि जो सेल्फ़ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं इसके जुज़ में कौन सी सलाहियत को शामिल किया है, इंट्रोस्पेक्शन को शामिल किया, इन्होंने खुद आगही के बारे में बात की है, तो वो होगा खुद के बारे में बात हो रही है, खुद आगही, ये वर्ड देखिए आप खुद आगही, और यहाँ देखिए खुद एहतिसाब यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। इसका मैं आपको एक ये बता देता हूँ इनकी थ्योरी का, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में इन्होंने ये लिखा कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट ओनली गुड एट थिंकिंग अबाउट हाउ अदर पीपल माइट फील बट दे आर आल्सो अडेप्ट एट अंडरस्टैंडिंग देर ओन फीलिंग्स। ये जो वर्ड है देर ओन फीलिंग्स को, खुद आगही को, यानी कि वो जो है ना अपने खुद की फीलिंग्स को भी समझते हैं, कौन, ये जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस अलाउज पीपल टू कंसिडर द मेनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर इमोशंस। तो ये जो है ये पीटर सालवी और जो जॉन मेयर ने जज्बाती जहानत में खुद आगही के जुज़ में क्या कहा है कि वो खुद एहतसाबी वाला जो है ना सलाहियत को शामिल करने की बात की है उन्होंने, जो कि हमने अभी यहाँ देखा कि अपने ओन फीलिंग्स को समझने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्कूली सतह पर शख्सी अख्तिलाफ़ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में
द डिज़ायर से कौन सी बात मुज़िर साबित होती है। स्कूल में जब शख्सियत के इख्तलाफात हैं तो इंसानी नशोनुमा के लिए यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन सी बात मुज़िर है, हाँ अच्छी बात, सही बात, प्रॉपर है, ऐसी बातें नहीं पूछता सवाल में। सवाल में पूछा जाता है मुज़िर है यानी कि आपको नेगेटिव चीज़ चुनना है आप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मुख्तलिफ़ ज़हनी क़ुव्वतों के तलबा के लिए अलाहदा निसाब, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ज़हनी तलबा के लिए अलाहदा निसाब। दूसरा है मुख्तलिफ़ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मुअल्लिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि देखिए मुख्तलिफ़ जिबिल्लतों वाले जो तलबा होते हैं अलग अलग उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, उनको सब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुअल्लिम एक यूनिफॉर्म मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। मुअल्लिम को चाहिए कि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ, डिफरेंट पेडागोजीज़ के साथ, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के साथ जो है क्लासरूम में उतरें। तो ये जो है ना दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मुज़िर साबित होगा बच्चों के लिए। तीसरा ऑप्शन था सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद, बिल्कुल सही। रिमेडियल क्लासेस जिस तरह हम अरेंज करते हैं कमज़ोर बच्चों के लिए निसाब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारा। चौथा निसाब तालीम में बुनियादी मजामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत, ये भी तो हम करते ही हैं ताकि जो है बच्चे मुख्तलिफ मजामीन की स्टडी कर पाएँ, उसको इंजॉय कर पाएँ। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि मुख्तलिफ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मुअल्लिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस, ये एक नेगेटिव ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज इत्मीनान बख्श तरीक़े से मुकम्मल होते हैं तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसा ख्याल ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया, यहाँ होना चाहिए किस माहिर नफ्सियात ने या कौन से माहिर नफ्सियात ने, को लेने नहीं, कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस ताल्लुक़ से बात हुई है, बच्चों के जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज के बारे में कौन से साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो ये जो हमारे चारों ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब होगा ये देखिए, जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज। तो हमारा सही जवाब होगा मास्लो आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ नीड्स, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड लव, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वंस अ लेवल इज़ रीच्ड एन इंडिविजुअल वर्क्स ऑन द अटेनमेंट ऑफ द नेक्स्ट वन। तो ये मास्लो के द्वारा बात की गई है कि बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, एहतराम है ना, सेल्फ़ इस्टीम, अभी भी देखे हमने लव, और जो है उसकी ये बुनियादी अगराज इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, वो नेक्स्ट लेवल को चले जाते हैं, फिर खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते हैं। ऐसा ख्याल ज़ैल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मास्लो। क्वेश्चन नंबर 70 है, ज़ैल में दिए गए दिलचस्पी से मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है। तो पहला बयान दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तलाफ नज़र आता है, ये बयान मुनासिब बयान है, दिलचस्पी जो है ना शख्सियत के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। दूसरा बयान है कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है, हो सकता है हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंटरेस्ट हासिल होता है। तीसरा है किसी मज़मून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिस सब्जेक्ट को हम पसंद करते हैं बेसिकली तो उसकी तरफ हम थोड़ा ज़्यादा स्टडी का हमारा रुझान होता है, हमें नामुनासिब सेंटेंस पहचानना है इसमें। चौथा ऑप्शन है दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौयत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाज़ वक्त हम किसी जगह तवज्जो देते हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो नामुनासिब बात है ये, दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौयत है। तो हमारा कहीं पर फोकस करना या कुछ उस ताल्लुक़ से स्टडी करना ये इंटरेस्ट की अलामत नहीं है, इंटरेस्ट की कोई साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है,
आंख के सामने जलती हुई अगर बत्ती को तेज़ी से दायरे की शक्ल में घुमाया जाए तो हमें जलता हुआ दायरा नज़र आता है। ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ वाक़ियात के तहत होने वाले अवहाम, अवहाम है वहम की जमा, ज़ैल में से किस गलत फहमी की वजह से होते हैं। तो ये किस गलत फहमी की वजह से होते हैं, इसका सही जवाब है मखसूस तबई हालात की वजह से होते हैं। देखिए कुछ हम दिन में स्पेशल कुछ हमारे सामने फ़िज़िकल अपीयरेंस हो जाते हैं, कोई चीज़ हम देखते हैं हमारे सामने से गुज़र जाती है और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। तो ये जो मिसाल यहाँ पर बयान की गई है कि आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेज़ी से दायरे की शक्ल में घुमाया जाए, अगरबत्ती को आप तेज़ी से गोल घुमाइए, हमें जलता हुआ दायरा ही नज़र आ जाएगा पूरा, क्योंकि वो दो एक पर्टिकुलर एक रूट में एक रास्ते में घूम रही है। तो जहाँ से वो घूम रही है, जिस रास्ते से होते हुए जिस अहाते से वो दायरा बना रही है, उस पर्टिकुलर अहाते में हमें एक आग बनती हुई नज़र आती है। तो ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वाक़ियात हमारे पेश आते हैं अवहाम ज़ैल में से किस गलत फहमी की वजह से होते हैं, तो ये असल में कुछ मखसूस तबई हालात की वजह से इस तरह के अवहाम हमारे साथ पेश आते हैं। बाकी ऑप्शंस पर भी आप गौर कर सकते हैं जो कि आंसर नहीं है। देखिए साबिका तजुर्बात की वजह से ऐसे अवहम नहीं आते, मुख्तलिफ तजुर्बात इंसान को होते हैं मगर वो वहम बनकर नहीं घूमते हमारे सामने। तजुर्बात से इंसान याद करता है, अगर तलख होंगे तो गमज़दा भी हो सकता है, लेकिन वो अवहम में मुंतकिल नहीं होते, बल्कि दिली तबई नज़र वहम ये भी नहीं है, फ़र्स्ट आदत और वाकफियत जी नहीं। तो ये जो है ना मखसूस तबई हालात, जब आप मखसूस तबई हालात के को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके सामने इस तरह के मुख्तलिफ अवहाम पेश आ सकते हैं। तो 72वां क्वेश्चन है, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं इसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, इनकी शख्सियत, इनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें ज़ैल के मुतबादिल में से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही है। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं इसकी याद आती है, देखिए हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की याद अगर हमें आती है तो असातिज़ा की शख्सियतें भी याद आती है, कुछ असातिज़ा हमें समझ में आते हैं याद आते हैं, तो रीज़न क्या है उसका। फ़र्स्ट ऑप्शन है मशरूत ताल्लुक़, दूसरा इशारती अलामत, तीसरा जज्बाती रुकावट, रुकावट तो नहीं हो सकता ना ये भाई, और अगर आप कहते हैं कि ये कोई इशारा है ये भी इशारा तो नहीं है, आपने कहीं पढ़े हुए हैं स्कूल में वहाँ की शख्सियत आपको याद आती है, यानी कि ऐसे असातिज़ा की तदरीस आपको याद आती है, उनकी तदरीसी खूबियाँ याद आती हैं, तो यानी कि उसके उनकी तदरीस में कुछ बातें हैं, शर्तियाँ बातें हैं, इसलिए वो आपको याद आते हैं। दैट्स वाई द आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन मशरूत ताल्लुक। क्वेश्चन नंबर 73 है, ज़ैल में से कौन सा इक्तसाबी तरीक़ा साइमन के नज़रिए के मुताबिक है। तो अब ये साइमन का जो नज़रिया है, व्हाट इज़ लर्निंग अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, तो लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट द स्टूडेंट डज एंड थिंक्स, ये लर्निंग जो होती है वो रिज़ल्ट करती है, रिज़ल्ट देती है कि स्टूडेंट किस तरह करता है और सोचता है, एंड ओनली फ्रॉम व्हाट द स्टूडेंट डज एंड थिंक्स, और इस सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से कि वो क्या करता है और सोचता है। द टीचर कैन एडवांस लर्निंग ओनली बाय इन्फ्लुएंसिंग व्हाट द स्टूडेंट डज टू लर्न, वो सीखने के लिए क्या करता है, तो टीचर सिर्फ उसको एडवांस कर सकता है कि स्टूडेंट्स के जो एफर्ट हैं उसको आगे बढ़ा सकता है टीचर। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल हमको दिया गया है वो ऐसे दिया हुआ है कि ज़ैल में से कौन सा इक्तसाबी तरीक़ा साइमन के नज़रिए के मुताबिक है। तो साइमन क्या कहते हैं कि जो आपका इक्तसाबी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, वो ये है कि अगराज की तकमील होना, कि अगराज की तकमील के लिए सीखा जाता है, यानी कि अगर आप पहला ऑप्शन कहें कि गैर ज़रूरी बातों से ग्रेज़ करके सीखना, इस तरह की कोई बात साइमन नहीं कहते, सज़ा के ज़रिए सिखाइए इस तरह की भी कोई बात साइमन नहीं कहते। अगर आपको थर्ड ऑप्शन समझ में ना भी आए तो आप इस तरह की इलॉजिकल ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड टू चूज़ द आंसर। फोर्थ ऑप्शन है मसाइल के नजात या राह फरार के लिए सीखना, मसाइल के नजात और राह फरार के बारे में भी साइमन बात नहीं करते, हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग अगराज की तकमील के लिए सीखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, क़ुव्वते तख़य्युला की नशोनुमा करने के लिए मुअल्लिम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सतह पर की जाने वाली कोशिश में से कौन सी मिसाल नामुनासिब है। आप बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है उसको आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स लेंगे, तो जो नीचे मिसालें दी हुई हैं मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स में से, उसमें से कौन सी एफ़र्ट नामुनासिब है, इम्प्रॉपर है, जो कि मुनासिब नहीं है लेना। तो पहले उसे पढ़ लेते हैं फिर उसका आंसर हम चूज़ करेंगे। तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ़ परिंदों की नकल करना, इस तरह के मुख्तलिफ़ मौक़े तलबा को फ़राहम करना। दूसरा ऑप्शन है मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है नए अल्फाज का तारुफ करवाते वक्त हम मानी अल्फाज और ज़िदें बताई जाएं। चौथा ऑप्शन है आज़ादाना तख़य्युल दिलचस्प होते हैं इसलिए तख़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बड़े पैमाने पर सुनाई जाएं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भूतों की कहानी, इस तरह का निगेटिव वर्क एक टीचर नहीं कर सकता, तो आज़ादाना तख़य्युल में भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो तख़य्युल के डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको उन्वानात दीजिए, आप कुछ लिखने को दीजिए बिल्कुल दुरुस्त, आप उसको तस्वीर बनाइए स्टूडेंट को, अशिया तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ परिंदों का नकल बिल्कुल दुरुस्त, नए अल्फाज का तारुफ करवा दो, ऐसे उसी तरह के हनमान अल्फाज भी उन बच्चों को बता दिए जाएँ, उसकी ज़िद बता दी जाए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इस तरह का आज़ादाना ख़याल, आज़ादाना तख़य्युल जिसके अंदर कहानियाँ हैं भूतों की, वो भी बड़े पैमाने पर सुनाई जाएँ, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टीच। आज के सेशन का आखिरी सवाल हमारा ये है कि तामीरी ख़याल के मराहल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है। देखिए आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक ख़याल को तो उसका मुनासिब तरीक़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे पहले तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेंगे, पेशगी तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। पेशगी तैयारी, सीना, तहरीक, जांच, तहरीक, पेशगी तैयारी, सीना, जांच, तहरीक, सीना, पेशगी तैयारी, जांच। यहाँ ये समझ जाइए आपकी पेशगी तैयारी तो पहले आना है, ठीक है, यानी कि तहरीक तो बाद में आएगी, पहले तो तैयारी होगी, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन में से एक आंसर सही है। पहला ऑप्शन है पेशगी तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। दूसरा ऑप्शन है पेशगी तैयारी, सीना, तहरीक और जांच। इसका सही जवाब मैं अपने अगले सेशन में बताऊंगा। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आंसर मेरे पास भी है, मैं भी क्वेश्चन समझा, मुझे भी आंसर समझ में आ चुका है, और अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आंसर कीज़ भी है मेरे पास, तो मैं भी देखूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर है हमारा, या तो पेशगी तैयारी पहले होगी, फिर तहरीक दी जाएगी, फिर सीना होगा, मतलब फिर लास्ट में जांच होगा, ठीक है। ये दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि पेशगी तैयारी शुरू में होगी, जांच आखिरी में होगी। अब आपको तय करना है कि तहरीक पहले होगी या सीना पहले होगा, तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ 15 मोर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।